Good morning, students. In the topic chemical reactions and equations. In the given chemical reactions and equations, we show that in the basic part of this physical chain and chemical chain. इन द गिवन फिजिकल चेन एंड केमिकल चेन जो अपने आप होता है उसको अपन फिजिकल बोलेंगे और जो चेंजेस बाय द केमिकली होता है उसको अपन केमिकल चेंज बोलेंगे. इन द गिवन फिजिकल एंड केमिकल चेन में जैसे अपन देखते हैं कि आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, बराबर है, तो आइस ऑटोमेटिकली वाटर में चला जाता है, दैट इज द फिजिकल चेन. लेकिन आइस वाटर और इसको हीट किए तो किसमें वेपर में चला जाएगा, दैट इज द केमिकल चेन. जैसे राइपिंग ऑफ द फ्रूट्स है, राइपिंग ऑफ द फ्रूट्स इन द गिवन मार्केट, दैट द केमिकल चेन. दैट टाइप्स ऑफ द कंडीशन अप्लाई फॉर द केमिकल चेन इक्वेशन एंड रिएक्शन इन द गिवन आइस वाटर एंड वेपर. देन वी शो द व्हाट इज द राइटिंग्स ऑफ द केमिकल चेन एंड व्हाट इन द बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन. तो राइटिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट रहता है, इन द गिवन रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट, द रिएक्टेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट इज दैट लेफ्ट राइट हैंड साइड. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं H2+ ऑक्सीजन, तो आपको H2O मिल रहा है, तो H2+ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इसमें रिएक्टेंट में H2O मिल रहा है, वाटर, दैट द प्रोडक्ट. द दैट टाइप्स ऑफ द कंडीशन अप्लाई फॉर दिस इन द केमिकल रिएक्शन. In the next part of this given reactions, what types of the chemical reaction? That the first we show the combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction. इसके बाद भी आपको दिया गया है that the decomposition reaction. तो first देखते हैं अपन combination reaction. In the given combination reaction, when the two reactants are combined, when two reactants are combined to form the only one product, only one product, that is this types of the reaction, that is called the combination reaction. जैसे अपन लिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट बाहर निकल रही, बराबर है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी ये कि वे टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड देन टू फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन ओनली वन प्रोडक्ट एंड टू फॉर्म इन द गिवन रिएक्टेंट्स टू और मोर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड ओनली वन प्रोडक्ट में से आपको टू और मोर प्रोडक्ट मिलते हैं, वन रिएक्टेंट्स में से आपको टू और मोर प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे 2H2O लिक्विड लिया, इलेक्ट्रिक हीट किया इसको, तो 2H2 प्लस ऑक्सीजन मिल गया. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जहां पे रिएक्टेंट्स दो है तो दो ही आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट टाइप ऑफ द कंडीशन अप्लाई फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन द गिवन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कॉपर सल्फेट प्लस फेरस लेते हैं, तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर अलग मिलता है. विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपको रिएक्टेंट्स में दो एलिमेंट्स दिया है, प्रोडक्ट में है आपको दो एलिमेंट्स मिलना ही है, तो दैट टाइप ऑफ द कंडीशन अप्लाई फॉर दिस द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. In this given of the types of the chemical reaction, in the writings of the chemical reaction, balance and unbalanced force of the chemical reaction, and then the types of the chemical reaction. And that types of the combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, another types of the double displacement reaction. तो यहाँ पे chemical reaction equations में आपको ये parts सिर्फ definition के form में ध्यान में रखना है. By the next period.